नसरुल्लागंज नगर के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीहोर जिले के 5 तहसीलों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें मिनी जूनियर तथा सीनियर की प्रत्येक तहसील से बालक व बालिका वर्ग की 6-6 टीमों ने भाग लिया। वहीं स्पोर्ट्स शिक्षक सचिन त्रिवेदी ने बताया कि नसरुल्लागंज नगर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय चयन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में चयन होने के बाद बालक व बालिका वर्ग के खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे। मैं सचिन त्रिवेदी, सीएम राइज विद्यालय नसरुल्लागंज। आज कबड्डी प्रतियोगिता चल रही, क्या है पूरी कबड्डी प्रतियोगिता जो चल रही है? पहले हम लोगों ने ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न नसरुल्लागंज में कराई थी, ब्लॉक के बाद यहाँ पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हो रही है, जिसमें 5 तहसील से सीहोर, इछावा, रास्ता, नसरुल्लागंज के मिनी जूनियर सीनियर बालक एवं बालिका, मतलब एक जगह से 72 बच्चे आने का यहाँ पर हुआ है। और इनका जो बच्चा बेस्ट खेलेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, उसका जिला संभाग स्तर के तौर पर भी उसका चयन होगा। और संभाग में जो बच्चा अच्छा खेलेगा उसका स्टेट के लिए चयन होगा। इसी प्रकार से ये कड़ी चलती रहती है, इसमें खास उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन जो बच्चा देता है उसको हमें बढ़ाते चले जाते हैं। कितनी टीम भाग, यहाँ पर 5 टीमों ने अभी भाग लिया है, 5ों तहसील के, इछावर तहसील, सीहोर, नसरुल्लागंज और बुधनी। इसमें बालक एवं बालिका दोनों वर्ग के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 14 वर्ष के बालक, 14 वर्ष की बालिका, 17 वर्ष के